Hello everyone, this is the second lecture of Chemical Reactions and Equations. In this particular lecture, we'll study about the various types of chemical reactions. So without wasting time, let's start. Types of reactions can be classified into four categories. The first one is a combination reaction. The second classification is decomposition reaction. The third one is displacement reaction. And the final one is double displacement reaction. So we'll study each of these reactions one by one. Okay, so let's start with the very first type of reaction, which is a combination reaction. ठीक है, so as the name suggests, combination का मतलब जो होता है, so combination reaction. So combination means to combine, or simply we can say to add, right? So कोई भी एक ऐसा reaction जिसमें reactants हमारे add हो जाएंगे, means combine कर जाएंगे और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, राइट? तो एज इन दिस केस मान लेते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी, दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और ये दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट सी फॉर्म कर रहे हैं, राइट? सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स to understand it in a better way. ठीक है, so let's take hydrogen and oxygen example. ठीक है, तो जब ये दोनों combine करता है तो क्या बनाता है? H2O. Another example would be जब nitrogen gas और hydrogen gas combine करती है, so ये form करती है ammonia, that is NH3. So both these two examples are that of combination reaction, right? So another best example will be, सो इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन है. इस मैग्नीशियम की रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है, तो जो वाइट कलर का जो पाउडर सब्सटेंस हमने ऑब्टेन किया है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी जो हमने रिएक्शन देखा या एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन थी, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है, राइट? सो अगेन इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन. नाउ द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, वर्ड खुद ही बता रहा है डिकम्पोज होगा, दैट मीन्स लेट्स से इट विल डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, राइट? डिस्ट्रीब्यूट आई कैन से और आई कैन से डिवाइड हो जाएगा. अब किस तरीके से जो है हमारा रिएक्टेंट डिवाइड होता है, दैट वी हैव टू सी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर कोई एक रिएक्टेंट है ए और ये हो रहा है डिवाइड सी और डी में, तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स गेट्स डिवाइडेड और डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स. ठीक है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, इसी तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी नंबर वन थर्मल डिकम्पोजिशन, द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड देन द फाइनल वन इज अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? सो अगेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन, देन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड फाइनली फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट, थर्मल का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब हो जाएगा विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड फाइनली फोटो का मतलब हो जाएगा लाइट. सो व्हेनेवर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसको हम हीट की हेल्प से कैरी आउट करेंगे, उस तरह का रिएक्शन कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर वही डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम करेंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और अगर वही डिकम्पोजिशन हम लाइट सनलाइट की हेल्प से करेंगे या फोटॉन्स की हेल्प से करेंगे तो वो कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ
थ्री टाइप्स विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फाइनली फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, सो लेट्स सी द वेरियस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें हमारे पास, हमने टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट ले लिया है. जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा इंटू फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है फेरस सल्फेट का, वो हो रहा है इंटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. बट ये जो डिकम्पोजिशन है दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन. अनदर एग्जाम्पल विल बी कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको अगर हम हीट कर दें तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट? उसी तरीके से अगर हम वाटर को या वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में, ठीक है? तो ये जो डिकम्पोजिशन हम कैरी आउट कर रहे हैं दिस इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. उसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, तो अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में एक्सपोज कर दें या सनलाइट में रख देंगे तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में. उसी तरीके से अगर सिल्वर ब्रोमाइड को रख दें तो ये डिवाइड हो जाएगा. अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन है. ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है, राइट? तो डिकम्पोजिशन वो भी किस तरह का, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेदर इट इज विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और फोटॉन्स या फिर हम उनको सनलाइट भी कह सकते हैं. सो दिस वॉज द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समथिंग इज गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड. ओके, सो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ जिसमें आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है दैट इज फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? सो इन दिस रिएक्शन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ठीक है? सो ये जो आयरन है, इस आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है द कॉपर को, और कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद इसने खुद फॉर्म कर दिया है फेरस सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आयन, ठीक है? उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है कि जब अगर जिंक का रिएक्शन अगर हम करा दें कॉपर सल्फेट के साथ तो ये फॉर्म कर देगा जिंक सल्फेट और साथ ही साथ कॉपर बाहर आ जाएगा. यहाँ भी क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स, ठीक है? उसके आयन से उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है? अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी कि जब लेड नाइट्रेट लेड को अगर हम रिएक्ट करा दें कॉपर क्लोराइड के साथ, सो Pb इज अ सिंबल फॉर लेड. अगर लेड को हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद यहाँ जो रिएक्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज लेड क्लोराइड और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉपर. अगेन यहाँ पे क्या है, जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम इट्स आयन एंड खुद उसकी जगह ले लिए, ठीक है? सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स देखने को क्या मिल रहा है कि एक हायर एक्टिव मेटल एक लो एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है. मतलब कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है आयरन, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, इन द सेम मैनर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें होता ये है कि एक हायर एक्टिव मेटल एक लो एक्टिव मेटल को उसके आयन्स से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप किसी भी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे तो वहां जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो वैनिश हो जाएगा.
ब्लू कलर वैनिश इसलिए होगा क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे ही फेरस सल्फेट बनेगा तो इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, ब्लू से वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। द लास्ट एंड द फाइनल वन इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, देखते हैं कैसे, राइट। सो विल टेक अ वेरी गुड एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज Na2SO4। हमारे पास सोडियम सल्फेट है, जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन लैंग्वेज में टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया और बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमें दो बार डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अपने आयनिक कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स को डिस्प्लेस कर देंगे और खुद उनकी जगह जाके ले लेंगे, इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ओवर। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। सो टिल देन कीप लर्निंग।